आएगा तो पक्का रिपीट हो जाएगा। बूंदे बरसाई है राजा बरसाई है, पहली बार हुई हो जैसे ऐसी बारिश आई है। Shuffle chat. सुबह इट्स 93.5 रेड एफएम पर मैं हूँ आकृति। हेलो हाय व्हाट्स अप, वेलकमिंग हियर स्टेबिन जावेद एंड मोहसिन एंड दे हैव गॉट व्हाट फॉर अस, दे हैव गॉट बारिश आई है फॉर अस। वेलकम टू रेड एफएम। थैंक यू। हेलो। ओके, टॉकिंग अबाउट बारिश आई है, स्टेबिन जावेद मोहसिन, व्हाट इज दिस ट्रैक फॉर यू? मतलब ये गाना आपके लिए कितना क्या मायने रखता है? लव एंथम स्पेशली एंड द मॉनसून एंथम आई कैन से, बिकॉज़ आई थिंक लाइक सब लोग कह रहे हैं कि दिस इज द बिगेस्ट मॉनसून सॉन्ग ऑफ द ईयर एंड ऑब्वियसली द क्रेडिट गोज टू द एंटायर टीम फॉर मेकिंग इट द बिगेस्ट मॉनसून सॉन्ग ऑफ दिस ईयर। जावेद, तो हमारा ये पहला मॉनसून का गाना था एंड वी वर वेरी एक्साइटेड एंड ऑफ कोर्स वी हैव गुड रैपर विद स्टेबिन एंड श्रेया जी और हमारा कॉम्बिनेशन हिट कॉम्बिनेशन है टचवुड। सो वी वेरी एक्साइटेड एंड बड़ा ही रोमांटिक गाना बना है एंड पीपल आर रिसीविंग इट वेरी वेल एंड वी आर वेरी ग्लैड। बारिश में हमने जो बचपन से गाने सुने हैं वो बारिश में हमेशा से मेलेडी गाने जो होते हैं वो ज्यादा पॉपुलर होते हैं और लोग बाबा को बहुत पसंद आता है। इट्स अ हैप्पी सीजन और यहाँ पर लोग बाबा को मजा आता है कि हम यू नो बाहर निकले, बारिश का मजा ले और हैप्पी हैप्पी गाने सुने। और जब स्टेबिन बेन और श्रेया मैम हो गाने के अंदर तो और मेलेडी हो तो फिर तो वो गाना खुशी हो सकता है। ये वो गाना है ना जो जितने भी अकेले लोग हैं ना बेचारे को बहुत गरीब फील कराने वाले, हम क्या करें। योर फेवरेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? माय इंस्ट्रूमेंट इज गोइंग टू बी गिटार। पहले तो अपन ऐसे वो थे कि अपन को इसलिए गिटार बजाना कि हमको लड़कियां बटानी है, बट बाद में वो कब पैशन बन गया, कब वो जिंदगी बन गई पता नहीं चला यार। आपका फेवरेट इंस्ट्रूमेंट? मैं बचपन में सारंगी सीखा था। अच्छा, बचपन में आपने सारंगी सीख ली? हां, बचपन में सारंगी सीखी थी और सुल्तान खान साहब मेरे उस्ताद थे। योर फेवरेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? सारे इंस्ट्रूमेंट। हिज माउथ इज हिज फेवरेट इंस्ट्रूमेंट, आस्क मी प्लीज स्पेसिफाई। स्टेबिन बेन को जब हम गाने के लिए बोलते हैं तो स्टेबिन बोलता है कि भाई आप ऐसे मत सुनाओ, मुंह से बजा के सुनाओ आप किस तरीके से गाना बनाने वाले हो। तो बोले ठीक है भाई। तो हमने सुना है देखा तुमको जब से तुम पे प्यार आ गया, जितनी बार देखा उतनी बार आ गया, बूंदे बरसा बरसाई है, पहली बार हुई हो जैसे तक 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 तक। तो गाना कैसे पास नहीं होगा, कैसे लॉक नहीं होगा? तो जब ये गाना हमने सुना था भाई डब कब करना है भाई, तो आप डेट दे दो तब डब करना है। Thanks, Stubborn, for this. I really want this to come out. You know why? Yeah. They are the only major actors who can lock the song by. See, the idea behind this is basically एक ये चीज रही है कि अगर आप खुद ही कन्विंस नहीं हो तो आप दूसरों को क्या कन्विंस करो। आप खुद ही नहीं मजे ले रहे हो तो दूसरे को क्या मजा आएगा। नहीं नहीं, इट वाज नेक्स्ट लेवल डूड, इट वाज नेक्स्ट लेवल। थैंक यू स्टेबिन, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू। व्हाट इज द फर्स्ट ट्यून स्टेबिन, पहला धुन व्हिच यू लर्नड प्रोबेबली और व्हिच इंस्पायर्ड यू? आई रिमेम्बर द फर्स्ट टाइम आई स्टार्टेड लिसनिंग टू म्यूजिक, लिसनिंग टू लाइक लिटिल लिसनिंग टू म्यूजिक, द फर्स्ट सीडी सॉन्ग जो मैंने सुना था वाज कहो ना प्यार है एल्बम। दैट इज व्हेन आई फर्स्ट हर्ड एनी सॉन्ग टू कि जो मुझे गाना याद हुआ होगा पहली बार सुन के, तो आई थिंक वाज कहो ना प्यार है। आई थिंक ऑल द सॉन्ग्स इन दैट। अपना गाना या फिल्मों का गाना ज्यादा क्या करने में मजा आता है? अपना गाना ऑब्वियसली विद मतलब कोई डाउट ही नहीं इस बात पे, क्योंकि देखो क्या होता है, जो अपना होता है वो सबसे स्पेशल होता है और वो अपना ही होता है। क्या होता है कि सी नाउ इवन रिक्रिएटिंग अ सॉन्ग एंड ओजी सॉन्ग वाले डिफरेंस वाली बात आ गई है कि जब मैं अपना गाना बाहर गा रहा हूँ
अपना गाना बाहर गा रहा हूँ तो जब लोग उसको गाते हैं ना या कोई सुनते भी आपको दिख गया कि आपको कोई गाना सुन रहा है, वो फीलिंग यहाँ टच होती सीधे. तो आई थिंक आई रिमेम्बर when I was in a club and suddenly my song starts playing and वो बताता मैं हमेशा से कहीं पार्टी करते हो अपना गाना सुनना था, कभी तो सुनना था कि ये कोई गाना मेरा गाना कभी तो कहीं तो बजे यार ऐसा कुछ हो. and that was my first song as a playback like as a official release of something and पहला ही गाना किसी club में जोर से बज रहा है and I'm at that place and that vibe was like I was little tipsy and to feel that vibe I was with a girl and वो भी इज्जत ऐसी हो गई, ऐसा लगा कि ओ भाई कि अपना गाना बज रहा है, अपने दोस्त भी सब ऐसे भाग के आओ कैमरा हमने लेके, वो सब लोग बोले कौन है लड़का, सब फ्लैश लाइट ऑन मोबाइल ओवर इधर अपने ऊपर फोकस पूरा पर इनसाइड अंदर से दिल में मैं बता रहा हूँ दिल में जो खुशी होती है ना मैं वो आई थिंक दीज गाइज विल अंडरस्टैंड वो खुशी कितनी ज्यादा होती है क्योंकि ये तो गाना बनाते हैं और मैं बता रहा हूँ कि गाना गाने से पहले बनाने वाले की बात होती है और मैं बताता हूँ जिसने बनाया होता है मुझे लगता है कि वो ज्यादा ज्यादा कनेक्ट होता है सॉन्ग से क्योंकि उसने बनाया है उस गाने. क्या बात कही स्टेविन, क्या बात कही, क्या बात कही, एक्चुअली दिस इज द फैक्ट एंड यू कांट इग्नोर दिस. सो लेट्स रैप द इंटरव्यू ऑन अ म्यूजिकल हाई नोट. Yeah. कुछ आप तीनों की ताबड़तोड़ जामिंग हो जाए फॉर ऑल योर पीपल जस्ट टू टेल देम दैट यू लव देम. ऑलराइट गाइस, वी लव यू ऑल द लिसनर्स ऑफ रेड एफएम, वी लव यू सो मच एंड टुडे वी ऑल आर हियर स्टेबिन मोसन जावेद भाई, वी ऑल आर हियर फॉर यू. सो वी गोना सिंग अ स्पेशल सॉन्ग. हो जितना मरते हैं तुम पे क्या तुम भी उतना मरते हो ना, चलो अब सच बता दो प्यार से करते होना, जुदा होने के ख्यालों से तुम भी डरते होना, बूंदे बरसाई है चाहत बरसाई है, पहली बार हुई हो जैसे ऐसी बारिश. Thank you so much. Red FM 93.5 के लिए तालियां बजाते रहो, बजाते रहो 93.5 Red FM 93.5 बजाते रहो.